भारत की साध्वियों जैसा वेशभूषा, सिर पर केश की भारी जटाएं, ललाट पर टीका, गले में रुद्राक्ष की बड़ी सी माला और गेरुआ वस्त्र। संयुक्त राष्ट्र के जिनेवा दफ्तर में जब अंग्रेजी में भाषण देती इस महिला का वीडियो को देखा गया तो उन्हें एक बार भी समझ में नहीं आया कि ये महिला किस देश की प्रतिनिधि है। चर्चाएं तेज हुई, लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही नित्यानंद ने ट्विटर अकाउंट से एक फोटो ट्वीट कर दिया तो सबको ये माजरा समझ में आ गया। सबसे पहले आपको बताते हैं कि भगौड़े नित्यानंद के बारे में कि भारत में रेप के आरोपों का सामना कर रहे भगौड़े नित्यानंद ने एक नया प्रोपेगेंडा दुनिया के सामने फैलाया है, भारत के खिलाफ जहर उगला है। लेकिन ये वही नित्यानंद है जो भारत से भागकर कैलासा नाम का एक अपना साम्राज्य बना लिया है। नित्यानंद ने पहले तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ कैलासा नाम से एक नया देश बनाने का दावा किया जहां कथित रूप से हिंदू मान्यताओं के अनुसार जीवन जिया जाता है। अब नित्यानंद ने अपने देश के एक प्रतिनिधि मंडल को एक महिला की अगुवाई में संयुक्त राष्ट्र की बैठक में भेजने का दावा किया। नित्यानंद अपने सोशल मीडिया अकाउंट से इसका प्रचार कर रहा है। कैलासा की ओर से एक महिला साध्वी जिनेवा में हुए संयुक्त राष्ट्र के कार्यक्रम में हिस्सा लेती हुई दिख रही है। अब सवाल ये उठता है कि ये महिला है कौन? कौन है विजय प्रिया? जिस महिला का जिक्र नित्यानंद कर रहे हैं वो महिला है कौन? इस महिला ने अपना नाम माँ विजय प्रिया नित्यानंद बताया है। कैलासा के वेरीफाइड फेसबुक अकाउंट के अनुसार माँ विजय प्रिया नित्यानंद संयुक्त राष्ट्र में कैलासा देश की अस्थायी राजदूत है। विजय प्रिया नित्यानंद अपना निवास स्थान अमेरिका का वाशिंगटन डीसी शहर बताती है। विजय प्रिया को नित्यानंद के देश कैलासा में डिप्लोमैट का दर्जा हासिल है। स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में 22 फरवरी को हुए संयुक्त राष्ट्र के इस कार्यक्रम में काल्पनिक देश कैलासा की ओर से विजय प्रिया नित्यानंद के अलावा 5 और महिलाएं शामिल हुई। संयुक्त राष्ट्र ने जिनेवा में 19वें आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों का एक सम्मेलन का आयोजन किया था। इस मीटिंग में कैलासा की ओर से विजय प्रिया नित्यानंद के अलावा कैलासा लॉस एंजल्स की प्रमुख मुक्तिका आनंद, कैलासा सेंट लुइस के चीफ सोना कामत, कैलासा यूके के चीफ नित्या आत्मदायकी, कैलासा फ्रांस के चीफ नित्या वेंकटेश नंदा और कैलासा स्लोवेनी के चीफ प्रिय परा नित्यानंद शामिल हुई। नित्यानंद के वेरीफाइड अकाउंट पर पोस्ट किए गए वीडियो में विजय प्रिया नित्यानंद ने कहा कि भारत से फरार नित्यानंद को अपना गुरु बता रही है। नमस्कार की बजाय नित्यानंद ने संबोधन करने वाले विजय प्रिया से कहा है कि उनके गुरु ने उनके लिए काफी कुछ किया है। विजय प्रिया ने अपने नित्यानंद को अपने जीवन का स्रोत बताया। विजय प्रिया ने कहा, ये भी कहा कि वे अपने गुरु को कैलासा को कभी नहीं छोड़ेंगे। कैलासा की वेबसाइट के अनुसार से विजय प्रिया नित्यानंद इस काल्पनिक देश की ओर से दुनिया की दूसरी संस्थाओं के समझौते भी करती है। संयुक्त राष्ट्र में विजय प्रिया ने कई देशों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की है और इसकी तस्वीर शेयर भी की है। एक वीडियो में विजय प्रिया नित्यानंद कथित रूप से कुछ अमेरिकी अधिकारियों के साथ कुछ समझौते पर हस्ताक्षर करती हुई दिख रही है। विजय प्रिया का दावा है कि कैलासा ने दुनिया के कई देशों में अपने राजदूत और एनजीओ खोले हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस सम्मेलन में विजय प्रिया ने भारत के खिलाफ जमकर जहर उगला। विजय प्रिया ने दावा किया है कि भारत उनके सर्वोच्च गुरु नित्यानंद को उत्पीड़न कर रहा है, जबकि भारत में नित्यानंद पर रेप का आरोप है और वो भगौड़ा है भारत का। विजय प्रिया ने संयुक्त राष्ट्र से सवाल किया कि कैलासा में नित्यानंद और 20 लाख हिंदू प्रवासी आबादी के उत्पीड़न को रोकने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या उपाय किए जा सकते हैं। आपको बता दें कि नित्यानंद के खिलाफ भारत में साध्वी से रेप समेत कई मामले चल रहे हैं। वहीं नित्यानंद देश से फरार है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।